कितन बॉलिंग किया अर्शदीप सिंह ने, कामरान अकमल घंटे गए। तो उस दिन कह रहा था ना कि 12 बजे सिंह को ओवर नहीं देते, वो ये शराबे पीते हैं, ये जो 12 बजे के बाद ये तो शराब नोशी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो तेरे अबू अर्शदीप ने 4 विकेटें ली हैं और रन पता है कितने दिए हैं? 9। वो तेरे शहीन लंगड़े की तरह ना 50 रन नहीं दिए। तो ही वाज टू गुड, अमेजिंग, लाजवाब। अर्शदीप ने आज कमाल कर दिया, 4 खिलाड़ी आउट और रन तो बिल्कुल ना होने के बराबर दिए, पर इंडिया की बैटिंग बड़ी लाजवाब है, बेहतरीन है, शानदार है। और उसके सामने मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा टास्क होना था। अर्शदीप सिंह जब तक शिवम दुबे का ओवर नहीं आया था और शिवम दुबे ने एक ओवर में 11 रन नहीं दिए थे, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि यूएस से तो शायद आज 100 रन भी ना मैनेज कर सके, क्योंकि यूं फंस के रखा हुआ था, फंसा के रखा हुआ था। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह इस पिच को क्रैक किया है, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, शर्मा हार्दिक पंड्या जिंदाबाद, अर्शदीप सिंह आपको तो एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर। ना जीते भी जीत गए भाई, मजाक में भाई यूएसए के नेट रन रेट की मापे ने कर दी। कामरान अकमल घंटे गए। तो उस दिन कह रहा था ना कि 12 बजे सिंह को ओवर नहीं देते, वो ये शराबे पीते हैं, ये जो 12 बजे के बाद ये तो शराब नोशी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो तेरे अबू अर्शदीप ने 4 विकेटें ली हैं और रन पता है कितने दिए हैं? 9। वो तेरे शहीन लंगड़े की तरह ना 50 रन नहीं दिए, या टेपिये की तरह 50 रन नहीं दिए, वो 9 रन दे के 4 विकेटें लेके आ रहा है तेरा अबू अर्शदीप सिंह। जो उस बंदे ने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में, अभी तक किसी बंदे ने जो सबसे ज्यादा बेस्ट बॉलिंग की है ना, वो अर्शदीप सिंह ने की है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पर अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है। उसके बाद दूसरा नाम लूंगा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर जो इस टूर्नामेंट में वो कर रहा है, अनबिलीवेबल है। एज अ बॉलर वो जिस तरह इस टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहा है, लिटरली टेपिया नहीं है, जो पाकिस्तान का टेपिया उससे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अर्शदीप सिंह एंड हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह इज अ रेलिवेशन इन दिस टूर्नामेंट। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह अपने आप को इस टूर्नामेंट में रीडिस्कवर किया है, ही हैज बीन एन एब्सोल्यूट एसेट। साथ में जसप्रीत बुमराह का जो तड़का लगता है, देखिए जसप्रीत बुमराह के तो ऊपर तो नो इफ एंड बट्स है, मां तो कहानी खत्म हो जाती है बुमराह के ऊपर आके। ही इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट वर्ल्ड हैज टू सी ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट। ना अर्शदीप सिंह जब तक शिवम दुबे का ओवर नहीं आया था और शिवम दुबे ने एक ओवर में 11 रन नहीं दिए थे, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि यूएस से तो शायद आज 100 रन भी ना मैनेज कर सके, क्योंकि यूं फंस के रखा हुआ था, फंसा के रखा हुआ था। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह इस पिच को क्रैक किया है, हाउ टू बोल ऑन दिस पिच, यू नीड टू बोल शॉर्ट पिच डिलीवरीज, यू नीड टू discipline in your line and length, and that has been an absolute wonder. और आज ऐसा फिर वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान is dependent on India, कि जितना जल्दी इंडिया चेस करेगा, जितनी dominate तरीके से dominate, अपनी batting से dominate करेगा, पाकिस्तान को उससे ज्यादा मदद मिलेगी। शर पटेल और शिवम दुबे के हम ओवर्स यहाँ निकाल दीजिए, तो जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह, ही वॉज एब्सोल्युटली रिलेंटलेस टुडे। जहां 9 बल्कि पंजा भी आ सकता था, उसका एक कैच ड्रॉप किया, अगर वो पंजा लग जाता तो मेरे ख्याल से अर्शदीप के लिए बड़ा यादगार ये मैच हो जाता, लेकिन 9 रन दिए, 4 विकेट लिए, 2.25 की इकोनॉमी। टेपिया से अच्छी बॉलिंग कर रहा है अर्शदीप सिंह, बचा दिया उसने पकड़ के बेटा। इंडिया ने जो डिसिप्लिन बॉलिंग किया यूएसए के अगेंस्ट, किस तरह उन्होंने जबरदस्त तरीके से जब बॉल किया, कोई उन्होंने आपकी तरह ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट नहीं दिए। कामरान अकमल कह रहा था ना उस दिन, जिस सिंह को ओवर नहीं देना जी, ये तो शराब पीते हैं। सिख कम्युनिटी के लिए जो कामरान अकमल ने शेमफुल वर्ड्स यूज किए थे, उसके मुंह के ऊपर ना चपेट गया, जुत्ती मारी है पकड़ के अर्शदीप ने। आप अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखो, T20 क्रिकेट में आप 4 ओवर्स में 9 रन दे रहे हो और आप 4 विकेटें लेके आ रहे हो, ये अनबिलीवेबल बॉलिंग है। आज पूरा पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आपसे अच्छी बैटिंग तो यूएसए भी कर गया। 25 रन को 3 आउट थे, उन्होंने मिडिल ओवर्स में कोई 8 की रन रेट से रन किए हैं इंडिया जैसी बॉलिंग के आगे। शर्म कर लो, कोई यूएसए से सीख लो, यूएसए भी आपको पेल के गया हुआ भाई, वो उनसे आप क्या सीखोगे, वो तो पेल के गया हुआ है। पाकिस्तान और आयरलैंड टकराएगा और मेरे ख्याल से कि यूएसए और आयरलैंड भी टकराएगा। अब आयरलैंड जो है वो एक बोटी है और 2 बिल्लियां, नहीं हाँ 2 बिल्लियां ही बोलते हैं यार, कुत्ता बिल्ली बोले तो बुरी बात है। 2 बिल्ली बोल लेते हैं यार, बिल्ले, 2 बिल्ले एक हड्डी पे झपक पड़ेंगे भाई। जिसको मिली हड्डी उसको मिला सुपर 8 का ताज। अब ये ताज के ऊपर जो है लड़ाई है, लेकिन एक बात तो कंफर्म। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया है, भारत ने यूएसए को अच्छी तरीके से हरा दिया है।
वीएसए ने पहले बैटिंग करते हुए 110 रनों का स्कोर खड़ा किया। उसमें अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए। उसके बाद में मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, बहुत सारे खिलाड़ियों ने अच्छा योगदान दिया। और उसके बाद में बैटिंग में सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, थोड़ा बहुत ऋषि पंत का भी योगदान है। इनकी मदद से इंडिया ने यूएसए को पटकनी दे दी है और इससे पाकिस्तान को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान दूसरों की यूएसए को भी बैट कर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का पाप देखता है और वो कभी कभार इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब पाकिस्तान प्रेडिक्शन कर रहा है, अगर वो लगातार 2 मैच जीत जाता है अच्छे रन रेट से तो उसको क्वालिफाई करने में आसानी होगी। वो टेंडर 8 में पहुंच जाएगा और वहाँ पर क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान प्रेडिक्शन कर रहा है कि इंडिया जितना अच्छा खेलेगा इस टूर्नामेंट में इतना ही पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। पर पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना होगा, थोड़ी बहुत अच्छी रन रेट से मैच को जीतना होगा आने वाले समय का सारे के सारे मैच। तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ 1 और मैच बचाएँ तो अच्छे रन रेट से, क्योंकि ऐसे बुरी रन रेट से आ रहा है उसको बहुत ही पटकनी दे दी, उसका रन रेट भी गिर चुका है। अगर पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से जीत जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि हर एक ग्रुप में से 2 टीमें क्वालिफाई करने वाली हैं 8 में। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया प्रेडिक्शन कर रहा है कि अगर इंडिया फिर से किसी टीम को डोमिनेट करती है अच्छे तरीके से, उसको